देखिए पानी में क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं crime100news.com, साथ मैं हूं आपका पढ़ना। शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। तो क्या चारा भूसा के लिए एक भी पैसा नहीं निकल रहा है? कुंटल दे रही है गेहूं के भूसे का, खाता ही नहीं चलाया। तो सरकार यहाँ चारा भूसा के लिए एक गौशाला के नाम से एक भी पैसा नहीं दे रही है? बोलिए प्रधान जी से कहा जाता है, प्रधान जी कहता है हम सब करवाएंगे, अब होता कुछ नहीं। कोई किसान भैया जा नहीं पाता, अपनी फसलें छा के जा नहीं सकता। प्रधान का धमकी देता, जब बरेली लोग धमकी देते हैं तो प्रधान से कितने कर्मचारी गौशाला में रखे गए? कर्मचारी एक ही रहता है यहाँ, कर्मचारी गौशाला में गई, कोई नियम नहीं, एक दिन टाइम छोड़ नियम नहीं। यहाँ पे देखे जाए तो कोई गौशाला में चारा नहीं है, आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति, विश्व निवासन गौरव छठवी जिला। आज आप कहाँ आए हुए हैं? हम भूरागढ़ से सटा हुआ क्षेत्र ही है, जो कि अंधविद्यालय के पीछे भूरागढ़ की गौशाला है। आज यहाँ पे देखा गया कि गौशाला में एक भी जानवर नहीं, जो कि आज किसानों का लगातार मेरे पास फोन जा रहा है। आज हमें मौका मिलने पर हम यहाँ गौशाला का निरीक्षण करें। देखिए गौशाला के यहाँ पर ना कुछ चढ़ाई बनी, उन्हें एक भूसा पड़ा हुआ है, एक भी जानवर छुट तक पूरा गौशाला से निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार किसानों की फसलें खाई जा रही हैं, जो कि साफ माननीय योगी आदित्यनाथ योगी सरकार लगातार पैसा फंड भी दे रही है, लेकिन यहाँ का प्रधान सचिव लगातार पैसा खा रहा है। इसको देखते हुए हमारे पूरे ज़िले में गौशाला निरीक्षण लगातार चल रहा है। देखा जाए तो पूरी गायवंश पूरा छुटता हुआ है यहाँ, जो कि पूरा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी पैसा खा रहे हैं लगातार। तो आपके हिसाब से इनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? बस इनकी कार्रवाई होगी, अब DM साहब को अवगत करा दिया गया है और तहसीलदार साहब को भी अवगत करा दिया गया, अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आपने प्रधान से या सचिव से आपने बात की? प्रधान से बात हुई है, प्रधान का राम अभी गौशाला नहीं है, हम लोग बिजी हैं। अच्छा, तो वो बिजी हैं, मतलब वो आते भी नहीं है? अब ये कह रहे हम गौशाला से गए, गौशाला में एक भी जानवर नहीं, पूरा घुमाइए देखिए किसान बैठा हुआ पूरा। किसानों का फोन लगातार जा रहा है हमारे पास,